दोस्तों आज की तारीख में अधिकांश ग्राहकों को यह नहीं पता कि यह जो छेद है यह काय के लिए होते हैं। यह मैं आपको पेन से दिखा रहा हूँ, यह जो छेद बने हुए नोजल में, 1, 2, 3 से पीछे भी बने हैं, यह काय के लिए होते हैं और यह काय के लिए होता है, ये जो रबर का पार्ट है। दोस्तों यह वेपर रिकवरी सिस्टम का हिस्सा है। दरअसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश है कि पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल के वेपर बहुत उड़ते हैं, तो काम करने वालों के लिए, पब्लिक के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और सेफ्टी के हिसाब से भी अच्छा नहीं है। तो ऑयल कंपनियों ने बहुत पैसा खर्च करके ये सिस्टम लगाया है। तो जैसे ये नोज़ल आपकी गाड़ी के अंदर जाता है तो गाड़ी का ढक्कन जब खुलता है तो उसमें से पेट्रोल के फ्यूम्स निकलते हैं, वेपर निकलता है। तो मशीन के अंदर एक मोटर लगी रहती है, वह उस वेपर को खींचती है, जो वेपर इसके द्वारा अंदर जाते हैं और इससे वातावरण में जाने से बचते हैं। दोस्तों यह जो पाइप जा रहा है इसके केंद्र में एक पाइप है जो पेट्रोल आपकी गाड़ी में डाल रहा है और बाकी केंद्र के बाहर छोटे छोटे पाइप हैं आसपास, जिनसे ये जो फ्यूम्स इसके जो वेपर खींचा रही है वो इससे खींचा कर जाती है, पाइप से पूरी खींचाते हुए जाती है और यहाँ पर जाकर ये इस सिस्टम से कॉपर नाली से अलग हो जाती है। अंदर एक मोटर लगी रहती है, वहाँ से वो पाइप से खींचा कर पेट्रोल की अंडरग्राउंड टैंक में वापस डल जाती है। इस सिस्टम को दोस्तों बोलते हैं वेपर रिकवरी सिस्टम। आजकल आपने देखा होगा बड़े शहरों में अधिकांश पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डलाते समय स्मेल काफ़ी कम आती है, तो दोस्तों वह इसी कारण से है। यह वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि यह सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप कस्टमर हैं, आपकी जानकारी में ये सब चीज़ें होना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।